क्या विपक्ष का काम केवल सदन में खलल डालना है? क्या हंगामा ही विपक्ष के पास एकमात्र हथियार है? हर बार सदन के सत्र को बाधित करना कांग्रेस की आदत में शुमार हो गया है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों द्वारा बिना तथ्य के किसी एक मुद्दे को गढ़ा जाता है और फिर ये सभी मिलकर सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं और बाद में अपनी करतूत के लिए इन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। बार बार एक्सपोज होने के बाद भी ये अपनी हरकतों में सुधार नहीं करते और हर बार एक नए झूठ के साथ सदन में हंगामे के लिए खड़े हो जाते हैं। आज विपक्ष की ऐसी ही करतूतों का तथ्यों के साथ पर्दाफाश करने जा रहे हैं। बीबीसी पर हंगामा। गुजरात दंगों पर पीएम मोदी को गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुका है, लेकिन तथ्यों से छेड़छाड़ कर पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए बनी गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया और जब टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स ने बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की तो विपक्ष ने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला बताया। कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर इस साल के बजट सत्र में जमकर बवाल काटा, लेकिन बाद में बीबीसी ने खुद 40 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की बात को स्वीकार कर कांग्रेस की बोलती बंद कर दी। अडानी पर बवाल। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष ने इसी साल बजट सत्र में हो हल्ला बोला। स्पीकर द्वारा बार बार शांति की अपील का विपक्षी सांसदों पर कोई असर नहीं पड़ा। विपक्षी नेता सड़क से लेकर संसद तक अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, लेकिन ये झूठ भी ज्यादा देर टिक नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। पेगासस पर हंगामा। जुलाई 2021 में मॉनसून सत्र में कांग्रेस पेगासस मुद्दे के साथ सदन में पहुंची। नेताओं ने पूरे सत्र में जमकर बवाल काटा। इसके बाद दिसंबर 2022 शीतकालीन सत्र में भी पेगासस के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। बाद में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी ने जासूसी की बात को खारिज कर दिया। विपक्ष को यहां भी शर्मिंदा होना पड़ा। राफेल पर हंगामा। 2018 के शीतकालीन सत्र और 2019 के बजट सत्र को भूले तो नहीं, जब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने राफेल को लेकर सड़क से लेकर सदन तक जमकर बवाल काटा, सदन के सत्र को बाधित किया, देश हित के काम में अड़चन डालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का ये झूठ भी एक्सपोज हो गया। राहुल गांधी को अपनी शर्मनाक हरकत के लिए माफी भी मांगनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड केस पर हंगामा। नेशनल हेराल्ड केस में जब जांच एजेंसी ने गांधी परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया तो कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। जुलाई 2022 के मॉनसून सत्र में कांग्रेसियों ने सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा किया। भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी। कांग्रेस सांसदों ने सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित किया। चीन पर बवाल। चीन भारत के विवाद को लेकर कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र 2022 में संसद में संग्राम शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने बिना तथ्यों के आधार पर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के कई इलाकों पर चीन ने कब्जा कर लिया है, जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 9 साल में चीन बॉर्डर के पास नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में पीएम मोदी 50 से अधिक बार यात्रा कर चुके हैं। कैबिनेट के मंत्री 400 से अधिक बार दौरा कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। नीट परीक्षा पर हंगामा। फरवरी 2022 बजट सत्र में नीट परीक्षा में तमिलनाडु को छूट देने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस डीएमके टीएमसी ने सदन के कामकाज को बाधित करने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी ने न केवल सदन को बल्कि नीट परीक्षा को स्थगित कर छात्रों के भविष्य को भी बाधित करना चाहती थी। विपक्षी दलों ने गलत नैरेटिव गढ़कर नीट परीक्षा को भेदभावपूर्ण बताने का प्रयास किया, लेकिन छात्र विपक्ष के इस झांसे में नहीं आए और परीक्षा में शामिल हुए। महंगाई और जीएसटी पर हंगामा।
मॉनसून सत्र जुलाई 2022 में कांग्रेस ने महंगाई और जीएसटी को लेकर दोनों सत्रों में जमकर हंगामा काटा और नारेबाजी की, जबकि कोविड संकट और रूस यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया महंगाई की चपेट में है। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व की वजह से भारत में महंगाई कंट्रोल में है। वहीं जीएसटी कलेक्शन के बढ़ते आंकड़े भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों पर हंगामा। बजट सत्र मार्च 2022 में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर संसद के दोनों सत्रों में हंगामा किया, जबकि तेल की कीमत के लिए सोनिया गांधी की चाबी वाली मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार स्वयं जिम्मेदार है। मनमोहन सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को सब्सिडी देने के बदले बॉन्ड जारी किए थे, जिनका भुगतान आज मोदी सरकार को ही करना पड़ रहा है। इसके बावजूद सरकार ने तेल की कीमतों को कंट्रोल में ही रखा है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया पर हंगामा। संसद में कांग्रेस ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं के खिलाफ भी जमकर बवाल काटा है। बब्बर शेर दिखा दिया, हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को फेक इन इंडिया तक कह दिया, जबकि सच्चाई ये है कि आज मेक इन इंडिया का डंका दुनिया में बज रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन मेक इन इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत भारत दुनिया का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरा सबसे बड़ा देश है। कांग्रेस की इन हरकतों को देखने के बाद आप खुद तय कीजिए कि ऐसी पार्टी क्या कभी देश हित के बारे में सोच सकती है।